हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। मैंने आपको पिछली वीडियो में कोरिलेशन निकालना बताया था, जो कि स्पीयरमैन के द्वारा रो जो बताया हुआ है, जिसको कि हम रैंक डिफरेंस मेथड कहते हैं, उस मेथड से मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोरिलेशन को हम पियर्सन के द्वारा बताए गए प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से भी निकालते हैं। वह जो हमने पहले रो सीखा था वो स्पीयरमैन का था, और ये किसने बताया है? पियर्सन ने। पियर्सन ने जिस मेथड को से कोरिलेशन निकाला है उसको नाम दिया है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, जबकि हमने रो सीखा था वह केवल अनग्रुप्ड डेटा का छोटे प्रदत्त के लिए ही निकाला जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि अनग्रुप्ड डेटा से भी हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड को यूज़ करके निकाल सकते हैं कोरिलेशन, और ग्रुप्ड डेटा के लिए भी हम बड़ा, जब प्रदत्त बड़ा होता है, जहाँ फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होती है, वहाँ हम स्कैटर डायग्राम को यूज़ करके यानी ग्रुप डेटा को भी हम दूसरे मेथड से कोरिलेशन निकाल सकते हैं। हमारे कोर्स में BA सेकेंड ईयर ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के जो कोर्स में दिया हुआ है, वह आपका अनग्रुप्ड डेटा का जो चार मेथड मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ। एज्यूम्ड मीन मेथड, रियल मीन मेथड, रिड्यूस्ड स्कोर मेथड एंड डिफरेंस मेथड। फिर से बोलती हूँ, एज्यूम्ड यानी कल्पित, दूसरा एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित मध्यमान विधि, दूसरा रियल मीन मेथड यानी वास्तविक मध्यमान विधि, तीसरा रिड्यूस्ड स्कोर मेथड, अंक कम करना, रिड्यूस्ड स्कोर मेथड, और चौथा डिफरेंस मेथड यानी अंतर विधि। इन चार में से हमारे ब्रज विश्वविद्यालय के सिलेबस में, आप लोगों के सिलेबस में सेकेंड ईयर के लिए केवल दो मेथड्स बताए हुए हैं, और वो है एज्यूम्ड मीन मेथड और रियल मीन मेथड। एक बार फिर से समझेंगे इस चीज़ को। कोरिलेशन यानी सहसंबंध, सहसंबंध दो विधियों से निकाला जा सकता है। पहला है स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड, और दूसरा है पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। पियर्सन का जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है, वो दोनों तरह के प्रदत्त अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा, दोनों ही डाटा का हम अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। अनग्रुप्ड डाटा की चार विधियां हैं, पहली है एज्यूम्ड मीन मेथड, दूसरी है रियल मीन मेथड, तीसरी रिड्यूस्ड स्कोर मेथड, और चौथी डिफरेंस मेथड। इसी प्रकार से ग्रुप्ड डेटा के लिए हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड में, जो कि पियर्सन ने दिया है, स्कैटर डायग्राम के द्वारा कोरिलेशन की गणना करते हैं। हमारा जो सिलेबस है ब्रज विश्वविद्यालय का सेकेंड ईयर के लिए BA पार्ट टू के लिए, उसमें पियर्सन का जो कोरिलेशन है उसके सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा के दो मेथड हमारे कोर्स में हैं, पहला एज्यूम्ड मीन मेथड और दूसरा रियल मीन मेथड। अब मैं आपको इसके बाद में एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा किस तरह से हम कोरिलेशन निकालते हैं वह गणना करनी समझाऊंगी।